आज का हमारा विषय है इंग्लिश ग्रामर, और है तो ये क्लास 12 का विषय, लेकिन 10th में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। और हम में से बहुत लोग ग्रामर के इस फॉर्म का उपयोग तो करते हैं, पर ये रियलाइज नहीं करते कि हम कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं। ये एक बोलने की शैली है। जो आज हम करने जा रहे हैं वो अंग्रेजी में बोलने की एक शैली है। इट इज़ ए वे ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बातचीत करने का एक तरीका हम कह सकते हैं। तो टॉपिक इज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, ये हम समझें। इससे पहले हम थोड़ा जानें कि व्हाट इज वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वॉइस को समझने, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंतर को समझने के पहले जरूरी है कि हम रूट पे जाएं और वॉइस को समझें। एक तो वॉइस का मतलब होता है आवाज, एक होता है वॉइस का मतलब आवाज, साउंड वॉइस। हिज वॉइस इज ब्यूटिफुल। अमिताभ बच्चन वॉइस इज बैरिटोन वॉइस। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छांव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ। यहाँ हम आवाज की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वॉइस का अर्थ आवाज नहीं है, यहाँ पर कुछ और अर्थ है। तो चलो हम थोड़ा जानें कि व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या है। ग्रामर की यदि हम बात करें, ग्रामर की स्पेलिंग भी देख लेंगे, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMER लिखते हैं, जो गलत है। तो ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMER है, ग्रामर। ग्रामर में नॉर्मली वॉइस की परिभाषा क्या दी गई है। ये वॉइस की परिभाषा की यदि हम बात करें, एक समझने वाली परिभाषा की, हम परिभाषित करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे हैं, समझने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू गो इन टू द डेफिनेशन, मेकिंग डेफिनेशन ऑफ समथिंग। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर दीज, व्हाट इज अ वॉइस। सो सबसे पहले ये ग्रामर का एक कैटेगरी है, जैसे टेंस एक कैटेगरी है, जैसे क्लॉज एक कैटेगरी है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ऐसे ही सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म कैटेगरीज हैं। ऐसे ही एक कैटेगरी यहाँ पर है जो वॉइस है। तो ये क्या कैटेगरी है? ये वो कैटेगरी है जिसमें किसी एक व्यक्ति के एक्शन को दो तरीके से बोला जाए, किसी एक व्यक्ति के एक्शन को या किसी एक्शन को। एक्शन याद रखिएगा, इसका पूरा ताल्लुकात एक्शन से है। किसी भी कार्य को दो तरीके से बोला जाए, और ऐसा करते समय केवल वाक्य की रचना में बदलाव आए, बाकी सब वैसे ही। मैं दोहरा दूं, किसी एक एक्शन को दो तरीके से बोलने की कला इसमें आती है, रहती है। लेकिन ये दोनों तरीकों में अंतर क्या है? केवल वाक्य की संरचना का, शब्दों के हेर फेर का। यहाँ का शब्द वहाँ, वहाँ का शब्द यहाँ, ऐसा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन जो भावना है, जो फैक्ट है, जो रिपोर्ट है, जो कहा जा रहा है, वो कहा कही गई चीज़ की भावना में कोई अंतर नहीं रहेगा। चाहे आप ऐसा बोलें,
चाहे ऐसा बोलें, चाहे आप कान ऐसा पकड़ें, चाहे आप ऐसा पकड़ें, कान पकड़ना ये एक क्रिया है, तो उसको हम इस तरीके से बोलें या उस तरीके से बोलें, लेकिन सुनिश्चित ये होता है इसमें कि किसी भी रूप में इसकी भाव में, भावना में, महत्ता में कोई अंतर नहीं रहता। तो बोलने का तरीका है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉइस क्या है, एक बोलने का तरीका। वन एंड द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस इन टू डिफरेंट वेज, एक ही विचार को दो अलग अलग तरीके से इसमें बोला जाता है। वन एंड द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वेज, बस यही वॉइस, राइट। ये दो तरीके हैं बोलने के, भाषा वही अंग्रेजी, बोलने का तरीका अलग हो गया। अरे होता है ना, हिंदी में हम बोलते हैं कई तरीके से बोलते हैं कुछ चीज़ों को, अंग्रेजी में भी ऐसे ही अलग अलग तरीके, लेकिन वॉइस के मामले में, इस कैटेगरी के मामले में, इन दोनों तरीकों में बोलें यदि दोनों में से किसी भी तरीके से बोलें, तो उसकी भावना, उसके अर्थ, उसके किसी भी चीज़ में रूप में रूप परिवर्तन होगा, पर बाकी चीज़ में कोई बदलाव नहीं। हम जो कहना चाह रहे हैं वही कहा जाएगा, लेकिन कहने की तरीका बदल गया, बस। तो वन एंड द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस इन टू डिफरेंट वेज बाय मीन्स ऑफ एन एक्टिव एंड बाय मीन्स ऑफ ए पैसिव कंस्ट्रक्शन। बाय मीन एक ऐसा बनाया जाए वाक्य जिसको हम एक एक्टिव और एक को पैसिव तरीका कह सकते हैं, बिल्कुल सही। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्सेशन। नाउ लेट्स कम टू दी, जानने के बाद कि वॉइस क्या है, इंग्लिश ग्रामर का एक कैटेगरी है जिसमें एक ही चीज को दो तरीके से कहने की कला, वेयर द सेम थिंग कैन बी सेड इन टू डिफरेंट वेज। सो नाउ वी कम टू फर्स्ट ऑफ द टाइप, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, गुड, एक्टिव वॉइस है जहां पर एक वाक्य हम देखें, चलिए पहले सप्ताह में एक वाक्य देखते हैं, ही इज ब्रेकिंग आइस। क्या है सेंटेंस, ही इज ब्रेकिंग आइस, आइस माने बर्फ, ब्रेकिंग माने तोड़ना, ब्रेक माने तोड़ना, तो ही इज ब्रेकिंग आइस या राम इज ब्रेकिंग आइस, ओके। हमने और सुधार किया, राम इज ब्रेकिंग आइस। अब राम इज ब्रेकिंग आइस में पहले ही हम जान लें कि एक वाक्य जो अंग्रेजी का होता है वो कंप्लीट तभी होता है, या उसको वाक्य तभी माना जाएगा, सेंटेंस तभी कहा जाएगा, जब उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट मतलब क्या, करता, और प्रेडिकेट यानी क्या, क्रिया। सब्जेक्ट यानी क्या, मैं दोहरा रहा हूं, सब्जेक्ट यानी करता, करने वाला, जो एक्शन कर रहा है वह सब्जेक्ट कहलाता है, जो एक्शन कर रहा है वह क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट जहां पर वर्ब या काम कर रहा है, उसके जिस वर्ब को यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद काम आता है, ही इज ब्रेकिंग आइस, राम इज ब्रेकिंग आइस। सवाल क्या उठता है, कौन, राम। आप ये नहीं पूछोगे कि क्या तोड़ रहा, हु इज ब्रेकिंग आइस, आंसर इज राम इज ब्रेकिंग आइस। तो सब्जेक्ट कौन है, राम, वर्ब क्या है, ब्रेकिंग। दूसरे शब्दों में, विथ एक्टिव वॉइस यू लर्न हु और व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस।
बहुत काम की चीज है, आप समझ लीजिए कि इन एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज परफॉर्मिंग द एक्शन और कॉजिंग द हैपनिंग डिनोटेड बाय द वर्ब. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है? ब्रेकिंग. सब्जेक्ट क्या है? राम. ही इज परफॉर्म, राम इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. क्या एक्शन? ब्रेकिंग या एनी एक्शन, यहां पर ब्रेकिंग. तो एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा है? यू लर्न हु और व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के शुरू में ही हम समझ जाते हैं कौन जिम्मेदार है, कौन एक्शन कर रहा है. जिम्मेदार नहीं, कौन एक्शन कर रहा है, कौन है, उसका उत्तर क्या आएगा? राम. विद द हेल्प ऑफ एक्टिव वॉइस हम और पावरफुल सेंटेंस बना सकते हैं पैसिव वॉइस की तुलना में. अब ये पावरफुल बनाना आप समझेंगे जब हम पैसिव पढ़ लेंगे. अभी एक्टिव आप समझ गए. मैं फिर से दोहरा दूं, राम इज ब्रेकिंग आइस, मोहन इज ईटिंग मैंगोस, मोहन इज ईटिंग मैंगोस. सब्जेक्ट क्या हुआ? मोहन. वर्ब क्या है? ईटिंग. सवाल क्या इसमें आने पर उत्तर आएगा? किस पे जोर है? मोहन. कौन आम खा रहा है? मोहन एट मैंगो. आम किसने खाया? ऐसा नहीं, कौन आम खाया? हु एट मैंगो? मोहन एट मैंगो. तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस. और एक्टिव वॉइस जो है, ये जो तरीका है बोलने का, मैं फिर से बोल दूं, वॉइस को साउंड से कंफ्यूज मत करिए, वॉइस को आवाज़ से कंफ्यूज मत करिए. वॉइस यहाँ पर उसका आवाज़ से कोई ताल्लुकात नहीं है. तो लेकिन और साथ ही ये भी याद रखिए, ये जो तरीका है बोलने का, ये पैसिव तरीके से ज़्यादा पावरफुल है. चलिए हम कुछ एक्टिव वॉइस के यूज़ देखें. यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस क्या क्या इसके यूज़ हैं, कब हम इसको यूज़ करते हैं? एक्टिव वॉइस इज यूज्ड इन ए क्लॉज हूज सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस द एजेंट ऑफ द मेन वर्ब. जो एजेंट ऑफ मेन वर्ब कौन है? ईटिंग मैंगो, किस, कौन है एजेंसी, कौन है, किसके माध्यम से आम खाया जा रहा है? मोहन के माध्यम. मोहन इज द एजेंट. तो इसमें हम शुरू में एजेंट को लाते हैं. राम इज ईटिंग मैंगो, श्याम इज ड्राइविंग कार, मोहन इज ब्रेकिंग आइस. तो इसमें एजेंट कौन है, कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, ये शुरू में, बिल्कुल शुरू में आ जाता, बिल्कुल बिगनिंग में. सब्जेक्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड. दूसरा जो गुण है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का, दूसरा जो गुण है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का, वो ये है कि हम सब्जेक्ट को तुरंत समझ जाएंगे. कौन है इसका सब्जेक्ट, कौन है कर्ता. सब्जेक्ट का अर्थ विषय नहीं है यहाँ पर, जैसा मैंने बताया. वॉइस का अर्थ ये ना समझें आवाज, ऐसे ही सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पर अंग्रेजी ग्रामर में सब्जेक्ट का अर्थ विषय नहीं होता. विषय के अलावा सब्जेक्ट का दूसरा अर्थ भी है, और सब्जेक्ट का यहाँ अर्थ है कर्ता, एजेंट, करने वाला, कार्य करने वाला. तो हम जब सब्जेक्ट 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 हम बार बार बोल रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा विषय की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ कर्ता की, एजेंट की, माध्यम की, जिसके जरिए वो काम हो रहा है. बर्फ तोड़ने का, आम खाने का, कार चलाने का, सोने का, ये जो काम हो रहा है,
ये जिसके माध्यम से हो रहा है वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो महिला, वो क्या है, सब्जेक्ट है। तीसरी खास बात एक्टिव वॉइस की क्या होती है कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं नॉर्मली बड़े छोटे होते हैं। श्याम इज ईटिंग मैंगो, मोहन इज ड्राइविंग कार, राम इज ब्रेकिंग आइस, बड़े छोटे सेंटेंस और बड़े सरलता से समझ जाएंगे। तो एक बार फीचर फिर देख लें कि सब्जेक्ट एक्सप्रेस द एजेंट्स ऑफ मेन वर्ब, सब्जेक्ट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाई आस्किंग हु और वॉट। ये सवाल पूछो, हु इज ब्रेकिंग आइस, उत्तर मिल जाएगा। वॉट इज ब्रेकिंग, उत्तर मिल जाएगा। वॉट इज हैपनिंग, ही इज ब्रेकिंग आइस। सो इसका उत्तर जहाँ मिल जाए हु और वॉट का वो, और तीसरा ये बड़े छोटे होते हैं। ओके तो ये तीन फीचर जानने के बाद अब चलो हम अब कुछ एग्जाम्पल देखें साथ ही साथ, और वैसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे लेकिन यहाँ पे कुछ और देखें। क्या है, जॉन रोट द लेटर, जॉन रोट द लेटर। रोट जो है वो क्रिया है, वर्ब। जॉन जो है वो सब्जेक्ट है। रोट किस क्रिया का पास्ट, राइट का है पास्ट फॉर्म। सो जॉन सब्जेक्ट, जॉन हु इज अ सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, ही रोट ए लेटर। सो व्हाट इज द वर्ब, वर्ब इज राइट। सो जॉन इज सब्जेक्ट। सिमिलरली मैंने पहले और एग्जाम्पल बताए, और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया राम इज ब्रेकिंग आइस, सब्जेक्ट क्या, हु इज ब्रेकिंग आइस, राम। हु इज ईटिंग मैंगो, मोहन। हु इज ड्राइविंग कार, श्याम। सो यू गेट द आंसर वेरी सिंपली। तो अब आप वॉइस समझ गए हैं, ये भी जान गए कि वॉइस का मतलब साउंड से नहीं है कोई ताल्लुकात। यहाँ वॉइस ग्रामर की, अंग्रेजी ग्रामर की एक कैटेगरी है। उसके बाद आप ये भी जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसे हम ऑब्जेक्ट बोलें तो और सरल होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है ये तो हम पहले ही समझ गए, आपने मेरा पुराने वीडियो देखा होगा जिसमें टेंस को विस्तार से समझाया है, वेयर यू हैव बीन एक्सप्लेन्ड टेंस एंड इट्स फॉर्म्स। उसके बाद हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस, वॉइस के टाइप्स में एक्टिव के बारे में हमने जाना, और एक एग्जाम्पल बड़ा सरल था, जॉन रोट ए लेटर। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, जॉन, ही इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, व्हाट इज दैट एक्शन, राइट, टू राइट, ही रोट ए लेटर। सो सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट whether it is active voice or passive voice, very simple way is ask the question who, and the answer is John. It's a common method, not a law, common method. Generally, you succeed in getting the right answer. At the same time, active voice is normally short, crisp sentences. Bilkul seedha usme baat ki jaati hai, direct bataya jata hai. जॉन रोट ए लेटर, घुमाने वाली बात नहीं। ये घुमाने वाली बात क्या है, ये पैसिव वॉइस में आती है, घुमा कर बोलना वही चीज, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से बोलना, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड एक्टिव, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द फोकस इज नॉट ऑन सब्जेक्ट, जो पूरा ध्यान है, जो केंद्र है, केंद्र बिंदु उस वाक्य का, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। हु इज रिसीविंग द एक्शन, हु इज रिसीविंग द एक्शन, जो एक्शन प्राप्त कर रहा है, एंड नॉट हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन।
जो एक्शन प्राप्त कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, जो एक्शन कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक्शन, जॉन रोट ए लेटर में एक्शन कौन कर रहा था? जॉन, ये एक्टिव हुआ क्योंकि सेंटेंस में जॉन इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। लेकिन पैसिव में क्या होता, हु इज रिसीविंग द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जॉन रोट ए लेटर में एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? लेटर। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसिव वॉइस में ऐसा वॉइस है जिसमें जो एक्शन प्राप्त कर रहा है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। सेंटेंस को इस तरीके से बनाएं, भाव वही हो, मीनिंग वही हो, अंतर केवल ये है कि जो रिसिपियंट है, RECIPIENT, रिसिपियंट, रिसिपियंट ऑफ एक्शन, उस पर फोकस है, डूअर ऑफ एक्शन पर फोकस नहीं है। हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, दैट बिकम सेकेंडरी इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस द एक्टर ऑफ द वर्ब या द एक्टर ऑफ द एक्शन इज आइदर अंडरस्टूड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या बोले ही नहीं जाएगा। जो एक्टर है पैसिव वॉइस में वो आखिरी में आता है। ख्याल रखिए, एक्टिव वॉइस में एक्टर नॉर्मली बिगिनिंग में आता है। जॉन रोट ए लेटर, पैसिव वॉइस में वो आखिरी में आता है। क्या आखिरी में आता है? जॉन। वाक्य संरचना ऐसी होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा होगा जिसमें जॉन आखिरी में रहेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि बोलने की जरूरत ही नहीं जॉन, और मीनिंग पूरा निकलेगा। ये है पैसिव वॉइस। तो इन पैसिव वॉइस द फोकस, द सेंटेंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉइंट नंबर वन, एंड नॉट ऑन सब्जेक्ट। नंबर टू, एक्शन रिसीविंग, दैट इज ऑब्जेक्ट, हु इज रिसीविंग द एक्शन, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड नॉट द वन हु इज डूइंग द एक्शन, नॉट द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। The third point about passive voice is the doer's name, the actor's name comes at the end in passive voice, in the sentences which are made in passive voice. In actor's name comes in the end in the sentences which are made in passive voice. कई बार तो उसके नाम भी नहीं रहता, आगे हम समझेंगे उसको। दूसरी बात, ये पैसिव वॉइस का उपयोग कब करते हैं, ऐसा तरीका कब अपनाया जाता है? जब हम कुछ सच्चाई को बताना चाहते हैं, राइटिंग फैक्ट्स, ट्रूथ, या वेयर एक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हमारे लिए एक्टर इम्पॉर्टेंट ना हो, जो एक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब हम ऐसा बताते हैं। एक तरीका है, एक वाक्य आप देखिए, राम ने पेन गिराया, राम ने पेन गिराया, यदि हम हिंदी में बोले। अब इसमें राम इम्पॉर्टेंट है कि पेन गिराने की क्रिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बताने वाला सामने वाले को जब बोलता है राम ने पेन गिराया, तो दो इसके अर्थ हो सकते हैं, कि या तो वो बताना चाह रहे कि राम ने गिराया, और दूसरा या वो बताना चाह रहा है कि पेन गिर गया, या तो वो बताना चाह रहा है कि राम ने गिराया, यानी उसकी नज़र में या तो एक्टर इम्पॉर्टेंट है जिसने ये गिराने का काम किया, और या एक्शन इम्पॉर्टेंट है, पेन गिराया, किसने गिराया? राम ने गिराया। क्या हुआ? पेन गिर गया। अब समस्या ये है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, फोकस किस पे है, बोलने वाला कैसे बोलना। ये बोलने के तरीके से मैं बता सकता हूँ कि मेरे लिए क्या इम्पॉर्टेंट, राम ने गिराया पेन, और दूसरा होता है राम ने पेन गिराया। दोनों में अंतर समझ गए? जब लिखा जाएगा तो लिखते समय तो स्पष्ट नहीं होता कि एक्सप्रेशन क्या है, होता है
लिखते समय तो एक्सप्रेशन नहीं दिखता, राम ने पेन गिराया बस यही लिखा रहेगा, तो जोर किस पर है ये स्पष्ट नहीं होगा। यदि जोर राम पर देना है तो हम लिखेंगे राम ने गिराया, और यदि हमको ऑब्जेक्ट पर देना है, यदि हमें एक्टर पे ना दे करके एक्शन पे देना है, तब हम दूसरे तरीके से बोलेंगे। वो दूसरा तरीका पैसिव वॉइस कहलाता है, तो पैसिव वॉइस में सच्चाई को बोलने के लिए, पेन गिराया इसको बोलने के लिए, तो इन पैसिव वॉइस वी नॉर्मली यूज इट फॉर राइटिंग फैक्ट्स, रिपोर्ट, ट्रूथ एट्सेट्रा, वेयर एक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट और इवन नॉट नोन, बट द एक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? सो एक्टिव पैसिव इज ऑल अबाउट एक्टर एंड एक्शन, कर्ता और क्रिया। क्रिया इम्पॉर्टेंट है तो पैसिव में बोलिए, कर्ता इम्पॉर्टेंट है तो एक्टिव में बोलिए, बड़ी सीधी बात। यदि हमको जो सूचना, हम जो सूचना देना चाह रहे हैं उसमें हम कर्ता को इम्पॉर्टेंट दिखाना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस में, और क्रिया को यदि दिखाना चाह रहे हैं तो हम पैसिव वॉइस में। दैट्स राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पैसिव वॉइस। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है, इसके कुछ उदाहरणों को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल हैव फ्यू टिप्स। इन पैसिव वॉइस द सेंटेंस फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, दैट्स करेक्ट, एंड इट इज यूज्ड इन फोकसिंग ऑन एक्शन नॉट ऑन एक्टर।